ओम शांति। 14 अप्रैल 73 अव्यक्तवाणी। संगठन की शक्ति। एक संकल्प। सर्वश्रेष्ठ मत देने वाले, सदा अभूल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी किस संकल्प में बैठे हो? सभी का एक संकल्प है ना? जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था, वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ, तो सभी के संगठन रूप का यह एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? किसी के भी और दूसरे संकल्प न हो, सभी एक स्थिति में स्थित हो तो बताओ वह एक सेकेंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर देती है। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एकर स्थिति बनाने का अभ्यास करना है, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव न डाले तो विजय नहीं बन सकते। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकेंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प और एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं, या कोई अपने को ही स्थित करने में मस्त होते हैं, कोई स्थिति में स्थित होते हैं और कोई विघ्न विनाश करने में ही व्यस्त होते हैं। ऐसे संगठन की रिजल्ट में क्या विजय का नगाड़ा बजेगा? विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है? क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही एकर स्थिति की अंगुली से कलयुगी पर्वत उठाना है या सभी के अंगुली से उठेगा? यह जो चित्र में सभी की एक ही अंगुली दिखाते हैं, उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प एक मत और एकर स्थिति की निशानी है। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि यह कलयुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? वह तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? जब आप ऑर्डर करेंगे, क्या एकर स्थिति में एवर रेडी हो? ऑर्डर क्या करेंगे? ऑर्डर यही करेंगे कि एक सेकेंड में सभी एकर स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो। वह एक सेकेंड सदा काल का सेकेंड होता है, ऐसे नहीं कि एक सेकेंड स्थिर हो फिर नीचे आ जाओ। जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एकर स्थिति में स्थित करने के संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो? क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एकर स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो? ऐसे प्लान्स बनाते हो? जब तक इस दैवी संगठन की एकर स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो? जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं, ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना? हर एक ब्राह्मण की रिस्पांसिबिलिटी न सिर्फ अपने को एकरस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एकरस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं, अगर संगठन में माला में एक भी मन का भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही
उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। उत्तम ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर यह है, वहाँ संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वह समय गाया हुआ है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, यह स्थापना कहाँ से होगी? इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता, देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि यह विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम बाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है, अप्रत्यक्ष में है, इस विशेषता में एवर रेडी हो, संगठन के रूप में एवर रेडी। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चित है ही, लेकिन अब घूंघट को हटाओ। अभी सजनिया घूंघट में है, अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ। कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है, इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना है। उस दिन सुनाया था न कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो, परिवर्तन तो बहुत हो गया है, फिर भी। यह फिर भी शब्द क्यों आता है? यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहती हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र में भी न रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हो, कोई भी बात होती है तो कहते हैं, मेरा यह भाव नहीं था, मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है, और ऐसी बात नहीं थी, तो क्या यह संपूर्ण नेचर है? हर एक का जो अपना मूल संस्कार है, वही आदि संस्कार है। उनको भी जब परिवर्तन में लाएंगे तभी संपूर्ण बनेंगे। अब छोटी छोटी भूले तो परिवर्तन करना सहज ही है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है, तभी संगठन रूप में एकर स्थिति बन जाएगी। अब समझा? यह तो सहज है ना करना, कॉपी करना तो सहज होता है। अपना अपना जो मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? इसमें कॉपी भी रियल हो जाएगी, सभी बाप दादा के संस्कारों में समान हो। एक एक बाप दादा के समान हो गया तो फिर एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे, तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखते हैं उधर ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई देखे, जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में जहाँ देवे। यह मुश्किल है क्या? मुश्किल इसलिए लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर कहते हो कैसे निकले, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हो। इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएंगी और जमा हो जाएंगी। मुश्किल को सहज बनाने के लिए लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया कि फॉलो फादर, यह तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है। इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत, तो सदाकाल के लिए अभूल एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी सदा एक रस, एक मत और एक ही के लगन में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। ओम शांति।